हरे कृष्णा, व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम विवेचन करेंगे बुध आदित्य योग का। देखिए, बुध आदित्य योग तब बनता है जब किसी भी जातक की कुंडली के अंदर बुध और सूर्य एक घर के अंदर बैठे हों। और उसकी एक और कंडीशन होती है कि ये सूर्य और बुध विद इन 6 to 10 डिग्रीज होने चाहिए, तभी ये इफ़ेक्टिव हैं। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, बहुत से विश्लेषण में ये कहा गया है कि जो भी एक अच्छा योग होता है वो केंद्र या त्रिकोण में ही अच्छा होता है। जैसे पहले घर के अंदर, चौथे घर के अंदर, सातवें या दसवें या पाँचवें या नौवें घर के अंदर अच्छा होता है, फलदायी होता है। लेकिन आज मैं इस भ्रम को ख़त्म करूंगा इस बुध आदित्य योग से। देखिए, बुध यानी कि मरकरी, आदित्य यानी कि सूर्य, ब्रह्मांड में हमेशा बुध और सूर्य नज़दीक रहते हैं। अगर आप कोई भी मैप निकालते हैं जहां पर आपको 9 प्लैनेट्स की सीरीज़ नज़र आती थी, बीच में सूर्य नज़र आते थे, पाँचवीं दसवीं क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता था, उसमें भी आप देखेंगे कि सन एंड मरकरी आर ऑलवेज वेरी वेरी क्लोज, राइट। तो उसमें आपको ये देखना है कि एक कुंडली में जब भी आप किसी कुंडली को ओपन करेंगे, देखेंगे सूर्य और बुध या तो सेम घर में होंगे या एक घर आगे पीछे होंगे। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य और बुध बहुत दूर हों एक दूसरे से। और जब वो एक घर के अंदर बैठ जाते हैं, विद इन 6 to 10 डिग्रीज होते हैं, तो एक ये तरह का राजयोग क्रिएट करते हैं जिसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं। लेकिन ये केंद्र और त्रिकोण में फल नहीं देता है। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य फील होगा, बहुत डिफरेंट लगेगा कि ये कैसे आप कह रहे हैं। देखिए, जब हमारा ज्योतिष शास्त्र लिखा गया उस समय सतयुग था, उस समय बार्टर सिस्टम था, कलयुग इस चरम सीमा पर नहीं पहुंचा था। उस समय केंद्र और त्रिकोण के घरों की बहुत वैल्यू होती थी। लेकिन आज की डेट के अंदर 6, 8, 12 में जो प्लैनेट हैं, 6, 8, 12 में जो राजयोग बन रहे हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दूंगा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर डॉक्टर KN राव का बहुत बड़ा नाम है। अगर आप उनकी कुंडली की विवेचन करते हैं, उनकी कुंडली का, तो आप देखेंगे कि KN राव के 12वें घर में बुध आदित्य योग बन रहा है। और मेरे ख्याल से 1993 के अंदर जब उनकी बुध की दशा शुरू हुई थी, तो उनको एक्चुअल जीवन में सक्सेस मिलनी शुरू हुई। उनका अमेरिका का विजिट हुआ, वहाँ पर वो बुला के सम्मानित किए गए और उनकी किताबों को पढ़ा जाने लगा। उनका नाम, नेम, फेम, हैप्पीनेस उनके जीवन में आनी शुरू हुई। और देखिए, अगर नेचुरल हम काल पुरुष कुंडली में बात करें, तो कहीं ना कहीं बुध की जो राशि 12वीं राशि के अंदर, वो नीच के हो जाते हैं, मीन राशि के अंदर वो 12वें घर में होती है। लेकिन जब हम इन्होंने विवेचन किया, हमने KN राव जी की कुंडली का, तो उनमें हमने देखा कि 12वें घर में, मैं मानता हूँ कि बुध नीच नहीं थे उसमें, लेकिन 12वें घर के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। इसके बावजूद मैंने कुछ और कुंडली का भी विश्लेषण किया, जब मैंने देखा कि 8वें घर में कुछ नेटिव थे जिनका बुध आदित्य योग चल रहा था, उन सर्कमस्टांसिस के अंदर उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वो मिलियनर बन गए हैं उस दशा के अंदर, उस टाइम के अंदर जब बुध आदित्य योग चल रहा था, बुध या सूर्य की कोई भी दशा चल रही थी और वो 6ठे या 8वें या 12वें स्थान में थे। तो ये एक मेरा विश्लेषण था। आप आज के कलयुग के अंदर मॉडर्न कुंडली जो हैं, आज कलयुग में भी आपको योगी मिलते हैं, कलयुग में भी अच्छे लोग मिलते हैं, कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जिनको दशाएं, अंतर दशाएं बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, लेकिन घरों की स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। वो केंद्र और त्रिकोण से हटके 6, 8, 12 में हो गए हैं। कभी भी आप एक कुंडली देखें, अगर आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 में बुध आदित्य योग बन रहा है और आपकी बुध की या सूर्य की दशा, अंतर दशा शुरू होने वाली है, समझ जाइएगा कि आपके जीवन का बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था बुध आदित्य योग के ऊपर। गारंटी के साथ कुंडलियों का विवेचन, विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। आप इसको देखिएगा और आपको 100% रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से वीडियो ऊपर आती है, राइट। और बहुत से लोगों का अगर फ़ायदा हो सकता है इसको देखकर, किसी की मन में शांति मिल सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे 6, 8, 12 में मेरा योग बन रहा है, ये फलदायी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो उल्टा ज़्यादा फलदायी होगा, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।